नमस्कार सभी को। आज का हमारा पाठ वाक जो है क्षितिज भाग एक में, और इसका हम पहला वाक देख रहे हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव। ये वाला वाक जो है, इसमें कवियत्री ने नाव की तुलना अपनी ज़िंदगी से करते हुए कहा कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों के द्वारा चला रही हैं, और वह इस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुनकर उसे इस ज़िंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा कि उसे नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उसकी उम्र कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं, और प्रभु मिलन की व्याकुलता जो है वह बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको ग्लानी हो रही है, उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। अब आता है हमारा दूसरा वाक, यानी कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। इसमें कवित्री ने जीवन में संतुलन की महत्ता को स्पष्ट किया है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा, वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। फिर कहती है कि संतुलन पे ध्यान मनुष्य का होना चाहिए, ना तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए ना ही ज़्यादा त्याग करना चाहिए, यानी दोनों के बीच का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए। दोनों को बराबर मात्रा में, संतुलित मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न होगा और इसके कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से अलग होकर के सोचने लगेंगे, जिससे हमारे हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खुल जाएगा। तीसरे वाक में कवित्री कहती हैं कि कवित्री ने अपने पश्चाताप को बताया, अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को ना अपनाकर हठयोग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़ करके कुंडलिनी योग को जागृत करके परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना वह चाहती थी, परंतु वह अपने इस प्रयास में असफल हुई और साथ में आयु भी बढ़ती गई। तब उसे गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु उसके करीब थी। जब उसने अपनी ज़िंदगी का लेखा जोखा किया तो उसे पाया कि वह बहुत दरिद्र है, यानी गरीब है, और उसने अपने जीवन में कुछ सफल पाया ही नहीं और कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं, और अब उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं बचा है क्योंकि अब तो उसकी मृत्यु उसके पास आ चुकी है। तो उसे परमात्मा से मिलन के लिए भक्ति भव सागर के पार ही जाना होगा। पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुँह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी हठयोग में बिता दी। उसने अपनी ज़िंदगी में कोई पुण्य कर्म ना तो कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पछता रही है, पर इससे अब कोई मोल नहीं है, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह लौट करके नहीं आता, और अब वह पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। हमारे चौथे वाक में थल थल में बसता है सिवी, इसमें कवित्री ने बताया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जान करके भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी तो उसे स्वयं के अंदर झांक करके अपने आप को ही जानना चाहिए, और यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र तरीका है, साधन है। यह था हमारे वाक की व्याख्या।
अगर आपको इसमें कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपके इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और अगर आपको ई बुक्स पढ़ने हैं, पेपरबैक बुक्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जा करके आप अपने बुक्स परचेज कर सकते हो।